गाइस, वेलकम टू राबिया स्किन केयर और मैं हूँ राबिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल सीरम जो मैं मेरी स्किन केयर रूटीन में भी यूज करती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही जबरदस्त सीरम है। ये सीरम है स्किन की लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए और है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो तीनों चारों भी मेरी रिक्वायरमेंट है फिलहाल। अगर इनमें से कोई एक आपकी भी रिक्वायरमेंट है तो इस सीरम को जरूर यूज करना, बहुत ही इफेक्टिव सीरम है। फिर बाद में कहना नहीं कि मैंने बताया नहीं। तो चलिए देखते हैं कि सीरम को बनाते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्वीट आमंड ऑयल। मैं यहाँ पे हमदर्द का ये रोगन बादाम श्री जो होता है वो यूज़ करी, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि आमंड ऑयल के मामले में मैं इस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि ये 100% प्योर है और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी 2 टीस्पून या 2 टू 3 टीस्पून मैं एक बाउल में ले रही हूँ। और इस सीरम का जो सबसे खास इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल और टर्मरिक एसेंशियल ऑयल। आप कोई भी लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के सीरम देखो, उसमें आपको विटामिन सी जरूर मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी की जो लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है ये बहुत जल्दी असर करती है। और ऑरेंज में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। फ्रूट से ज्यादा ऑरेंज के पील में विटामिन सी होता है और एसेंशियल ऑयल हमेशा पील से बनाई जाती है ऑरेंज के। तो इस एसेंशियल ऑयल में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो अगर आप लाइटनिंग ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज चाहते हो तो आप इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जरूर ऐड करें। फिर मैं दूसरा मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप देखोगे आजकल जो मेडिकेटेड क्रीम्स भी होती है उसमें भी हाइड्रोकर्क्यूमिन वगैरह यूज किया जाता है, जो हल्दी से डिराइव किया जाता है, क्योंकि इसमें स्किन को लाइटन करने की, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने की, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने की, आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करने की सारी खूबी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं एक एक एसेंशियल ऑयल की 12 से 15 ड्रॉप्स इस सीरम में ऐड कर रही हूँ। ये दोनों भी एसेंशियल ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों भी गुड वाइब्स के हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, गुड क्वालिटी एसेंशियल ऑयल्स हैं। इनकी और भी सारी वैरायटीज़ में ये अवेलेबल है। जो भी इनकी सारी लिंक्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इसको ज़रूर चेक करें। तो ये होता है आपका सीरम। अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप इसी को ही एज अ सीरम यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो आप इसमें थोड़ा सा क्यूकम्बर जेल भी ऐड करोगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास ये मेरे पुराने मॉइस्चराइजर का जो कंटेनर है वो है, तो मैं इसको यहाँ पर इसी में स्टोर कर रही हूँ। और ये होता है आपका फेयरनेस, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए सीरम। मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसा करना है। सबसे पहले आप अपने फेस को जब वॉश कर लेते हो तो वॉश करने के बाद में आपको आपका टोनर अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई टोनर वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेन रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो। टोनर से अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, टोनर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दें अपने स्किन में। फिर उसके बाद इस सीरम को अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करें और अच्छे से अपने पूरे फेस पे मसाज करें। इस सीरम को आपको सिर्फ नाइट टाइम पे ही यूज़ करना है। इसके बाद में अगर आप कोई नाइट क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। मॉर्निंग में उठ के आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। इस सीरम को आप ज़रूर ट्राई करना, सिर्फ 2 वीक्स के अंदर ही आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके आपको कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क दिखेगा, आपकी स्किन टोन भी आपको लाइटन दिखेगी और आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।